बीते दिन हल्दी पोखर के रामनवमी जुलूस में रंकनी मंदिर के समीप दूसरे पक्ष द्वारा पथराव किए जाने के मामले में गंभीर रूप से घायल हल्दी पोखर पूर्वी पंचायत मुखिया देवी कुमारी भूमिज के समर्थन में आज पोटका के मुखिया संघ ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में पोटका प्रकरण अध्यक्ष पानू सरदार ने कहा कि जनप्रतिनिधियों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी लोग दोषी सारे लोगों पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। यदि प्रशासन की ओर से अविलंब कार्रवाई नहीं होती है मुखिया संघ आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। सिमती सरदार ने कहा कि जनप्रतिनिधि लोगों की सेवा के लिए है और उसके ऊपर इस तरह से जानलेवा हमला होना दुर्भाग्यपूर्ण है। मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। जमशेदपुर से अभिजीत सेन की रिपोर्ट। पिछले दिन रामनवमी हल्दी पोखर में जो रामनवमी में जुलूस के दौरान हमारे मुखिया देवी कुमारी भूमिज के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है और वहाँ पर प्रशासन था, प्रशासन रहते हुए ये घटना घटी है, ये ठीक नहीं है, ये अन्याय है। रहते हुए जानलेवा हमला किसी प्रतिनिधि के ऊपर तो आम जनता का क्या होगा। और हमारे मुखिया साथी बहुत इसमें दुखी है और प्रशासन इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे दोषी के ऊपर, अन्यथा हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।